जैसे कि जो हम आईडी यूज करने वाले हैं उसका नाम एटम है, आपको मैंने वो कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में लास्ट सेशन में इंस्ट्रक्शंस दी थी, राइट? तो आईडी से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, ओके okay. और ठीक है ना, तो अभी सबसे पहले फाइल में आपको जाना होगा, प्रोजेक्ट आपको करना है ना, तो सबसे पहले आपको फाइल में जाना होगा फ्रेंड्स, देखो। और आपको यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट फोल्डर करना होगा, ऐड प्रोजेक्ट फोल्डर, राइट? यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अभी अभी जो भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फोल्डर बना लिया है आज के डेट का, जैसे कि आप देख पा रहे हो, 1 जून मॉड्यूल प्रोजेक्ट, इसको मैंने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट द फोल्डर। अब ये फोल्डर तो सिलेक्ट हो चुका है फ्रेंड्स, राइट? अब जब ये फोल्डर सिलेक्ट हो चुका है तो इसको क्लिक करना है आपको, आपने क्लिक किया, अब यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे एक HTML फाइल बनानी है, राइट? तो मुझे राइट क्लिक करना होगा और न्यू फाइल बोलना होगा। अब जो न्यू फाइल हम बनाएंगे उसका हम नाम देंगे कुछ, तो उसका मैं नाम देता हूँ होम, होम डॉट HTML फ्रेंड्स, इसका नाम देना है आपको होम डॉट HTML, या आपको जो भी नाम देना है वो आप दे सकते हो, राइट? इंडेक्स डॉट HTML भी आप दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो मैंने अभी इसको होम डॉट HTML नाम दिया है, एंटर करना है मैंने, राइट? अभी देखो, अभी मुझे HTML का कोड लिखना है इसके अंदर, राइट? मेरा प्रोजेक्ट जो है ये मैट्रिमोनियल आपका है, राइट? अब उसके लिए मुझे जो फाइल लगेंगी वो HTML फाइल लगेंगी, जो HTML फॉर्मेट लगेगा, राइट? तो मैंने सबसे पहले HTML टाइप करना है, मुझे HTML का एक फॉर्मेट चाहिए, राइट? तो मैं लिखूंगा HTML, मैंने इतना टाइप किया, HTML इतना टाइप किया, मैंने जस्ट एंटर कर देना है, राइट? जैसे मैंने एंटर किया तो एक स्कीमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, राइट? एक पूरा एक स्केलेटन यहाँ पे आ जाएगा, राइट? इसको स्केलेटन बोलते हैं। तो ये स्केलेटन तो आ गया, अब यहाँ पे टाइटल हेड फील्ड आ गई, यहाँ पे हेड फील्ड, और हेड फील्ड के अंदर टाइटल आ गया, तो टाइटल हम कुछ दे देते हैं, राइट? मैट्रिमोनियल ऐप, मैट्रिमोनियल ऐप ऐसा कुछ हेडिंग मैंने दे दिया, तो टाइटल में ये जो दिया वो दिखेगा नहीं, है ना? वेब पेज पे वो कभी दिखेगा नहीं, सिर्फ ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो ये मैट्रिमोनियल ऐप है करके, अब इस बॉडी के अंदर मैं कुछ लिखने वाला हूँ, ठीक है? तो ये प्रोजेक्ट जो है ना ये मैट्रिमोनियल का, तो सबसे पहले इसको मैं हेडिंग दूंगा, H1 हेडिंग दिया, राइट? तो लेट अस से मैट्रिमोनियल सर्विसेस, है ना, मैट्रिमोनियल सर्विसेस, मैट्रिमोनियल सर्विसेस, ऐसा मैंने कुछ नाम दिया। इसको मैंने सेव किया, कंट्रोल एस भी करना है आपको। अब ये पेज जो है ये कैसे दिखता है, मैं चलो जाके देखता हूँ। तो मुझे इसके लिए इसका पाथ कॉपी करना होगा, ये जो HTML फाइल है इसका पाथ मुझे कॉपी करना होगा, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कॉपी फुल पाथ। देखो फ्रेंड्स, कंट्रोल शिफ्ट सी अगर आपने किया तो आपको इसका पाथ मिल जाएगा, शॉर्टकट की भी है इसकी, कंट्रोल शिफ्ट सी, तो कॉपी फुल पाथ, ये मैंने किया अभी। अब कोई भी एक मुझे ब्राउजर खोलना है, ढंग का एक ब्राउजर खोला मैंने, और यहाँ पे आया मैं, इसको मैंने एंटर किया और एंटर किया ऐसे, ठीक है? यहाँ पे लिख के आया मैट्रिमोनियल सर्विसेस, राइट? मैट्रिमोनियल सर्विसेस तो लिख के आया। अब क्या करते जाना है आपको, सबसे पहले कोई खास एक इमेज हम इसको अटैच करेंगे, सो दैट ऐसा लगना चाहिए कि दिस इज द मैट्रिमोनियल साइट, राइट? तो सभी को पता है IMG टैग का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले मैं IMG टैग का इस्तेमाल करूंगा। तो अभी यहाँ पे पूछा है सोर्स क्या है आपका, तो सोर्स मैं देखना चाहता हूँ, सोर्स मीन्स क्या, जो इमेज मुझे इसको दिखानी है मुझे बैकग्राउंड में, उस इमेज का सोर्स फ्रेंड्स। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक कोई इमेज ढूंढ लेता हूँ, ऑलरेडी मैंने ढूंढ ली है इमेज, ठीक है? तो इमेज भी एक अच्छी इमेज है, राइट? बहुत सारी इमेज है इसमें, बट जो आपको आप रखना चाहते हो इमेज भी है आपके पास, आपके लिए, राइट? तो कोई भी एक इमेज ले लेते इसमें की जो थोड़ी सेंसर्ड हो और ठीक हो, राइट? तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, तो ये वाली इमेज ठीक लग रही मुझे, है ना? ये थोड़ी फॉरेन कंट्री की इमेज है, चलेगा, राइट? तो इसको उठा लेते हैं हम, कॉपी लिंक एड्रेस करना होगा वो, देखो फ्रेंड्स, कॉपी लिंक एड्रेस या कॉपी इमेज एड्रेस करना होगा, कॉपी इमेज एड्रेस करूंगा मैं,
इसको कर लिया मैंने कॉपी, इमेज एड्रेस, अभी मुझे कहाँ पे आना है, IMG पे आना है, यहाँ पे आ गया मैं, राइट। इमेज के एड्रेस कॉपी हो गया, 1 सेकेंड, कॉपी इमेज एड्रेस करना था मुझे, तो यहाँ पे क्लिक करना है, कॉपी इमेज एड्रेस करना है फ्रेंड्स, कॉपी इमेज एड्रेस करना है, और आपको यहाँ पे फिर से वापस आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो मैंने अभी फिलहाल इसको पेस्ट किया, अब मैं रिफ्रेश करके करके देखता हूँ मेरा HTML पेज कैसे दिखता है, तो इसको एक बार रिफ्रेश किया, चलो ये ऐसा आ गया अभी, ठीक है ना। मैट्रिमोनियल सर्विसेज लग रही है, इससे भी अच्छी इमेज देखता मैं, थोड़ा इंडियन स्टाइल की लगनी चाहिए, थोड़ा फॉरेन कल्चर लग रहा है इसमें, तो इंडियन स्टाइल की इमेज कौन सी हो सकती है, ये ठीक रहेंगी मुझे लगता है ना, ये इमेज ठीक रहेंगे ना फ्रेंड्स, आप जो मर्जी चाहे वो ले सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इसमें, है ना, तो ये भी एक ठीक है इमेज, है ना। मैट्रिमोनियल इमेज है ये, कॉपी इमेज एड्रेस करूंगा मैं, ये ठीक लग रही है मुझे, कॉपी इमेज एड्रेस। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे सोर्स में आना है, इसको चेंज कर देना है, यहाँ पे ओवरराइट करूंगा मैं, तो ये हो गया अभी ठीक। ओके चलो हम रिफ्रेश करके देखते हैं क्या होता है, देखते हैं मैट्रिमोनियल ऐप पे, चलो ये इमेज आ गई, साइज थोड़ी ज्यादा ही हो गई इसकी, तो क्या करते हैं, साइज को थोड़ा रिड्यूस करते हैं, है ना, साइज बोलते हैं हम विड्थ और हाइट, है ना, हाइट लिखता हूं मैं, हाइट लिख लिया मैंने या विड्थ लिख लिया, सेकेंड यहाँ पे अल्टर के बाद आता है ये चीज, ठीक है, ALT के बाद मैंने अगर टाइप किया हाइट, देखो फ्रेंड्स हाइट आ गई यहाँ पे, देखो आप मुझे पूरा टाइप भी नहीं किया, आ गया रिकमेंडेशन, हाइट इज इक्वल्स टू देना चाहता मैं लेटर से 400, और स्पेस दिया WI लिखा मैंने, तो विड्थ ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, है ना, तो ये दिया मैंने 400 by 400 की, कंट्रोल एस किया, अब इसको वहां पे रिफ्रेश करेंगे हम, क्या होता है देखेंगे, राइट। तो देखो अब ठीक आ गई है, और थोड़ी हमको विड्थ बढ़ानी होगी फ्रेंड्स, हमको विड्थ थोड़ी बढ़ानी होगी, 500 करके देखते, कंट्रोल एस करना है, और फिर से आपको ऐसे करना है, अब ठीक लग रहा है, थोड़ा और चेंज करते हैं 600 करके देखते हैं, तो प्रॉपर हो जाएंगे ना, 600 करके देखा मैंने, रिफ्रेश करके देखता हूँ, अब ठीक है फ्रेंड्स, अब ठीक लग रही है। मैट्रिमोनियल सर्विसेस, कौन सी मैट्रिमोनियल सर्विसेस, नाम दे देना होगा यहाँ पे, तो है ना, मेरा ही नाम दे देता मैं, विराज मैट्रिमोनियल सर्विसेस, मैंने ये बिजनेस स्टार्ट नहीं किया फिलहाल, ठीक है, ऐसा आपने नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, ये जस्ट डेमो के लिए, तो मैट्रिमोनियल सर्विसेस इसका मैंने नाम दे दिया है फिलहाल, अब क्या करना है इसके बाद, स्टेप्स मैं आपको बताता, सबसे पहले तो आपको एक चीज करनी होगी, आपको आपका स्पेशलाइजेशन बताना होगा कि आप तो मैरिज सर्विसेस प्रोवाइड करते हो, बट आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, तो मैं पैराग्राफ का टैग यूज करता, पी स्टैंड फॉर पैराग्राफ टैग, तो मैं यहाँ पे बोलता अवर स्पेशलाइजेशन, अवर स्पेशलाइजेशन, अवर स्पेशलाइजेशन, है ना, हमारा स्पेशलाइजेशन किस में है, तो ये मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं इसको जस्ट रिफ्रेश करके देखता हूँ, अवर स्पेशलाइजेशन, इसके नीचे कुछ लिखना चाहता हूँ मैं, मेरा स्पेशलाइजेशन क्या है, तो मुझे लिखना है, जो भी चीज लिखना है मैंने, तो मुझे OL, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट के दो ऑप्शन है मेरे पास फ्रेंड्स, तो मैं ऑर्डर लिस्ट में लिखना चाहता, मेरा स्पेशलाइजेशन कौन से, मैं जो सर्विस प्रोवाइड करता हूँ ना, मेरी कंपनी स्पेशली, तो उसके स्पेशलाइजेशन में लिखना चाहता हूँ, तो टैग यूज करना पड़ेगा UL, है ना, अनऑर्डर लिस्ट, देखो यहाँ पे लिख के है अनऑर्डर लिस्ट, ये मेरा स्पेशलाइजेशन है, देखो जैसे मैंने अनऑर्डर लिस्ट पे कॉपी किया, तो ये स्कीमा यहाँ पे आ गया, एक फॉर्मेट यहाँ पे आ गया, उसके अंदर क्या आता है फ्रेंड्स, उसके अंदर आता है लिस्टिंग, LI स्टैंड फॉर लिस्ट, याद करो आप, मैंने पढ़ाया था आपको, LI स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम, देखो लिस्ट आइटम लिख के आया, अब स्पेशलाइजेशन कौन से है हमारे, तो अर्ली मैरिजेस, है ना, अर्ली मैरिजेस, अर्ली मैरिजेस, है ना, कानूनन ये अपराध है पता है ना, दूसरा वाला मैं देना चाहता हूँ सेकंड मैरिज, है ना, सेकंड मैरिज, सेकंड मैरिज ये दूसरा ऑप्शन है मेरे, सर्विसेज स्पेशलाइजेशन है हमारे, उसके बाद जो है मैं देना चाहता हूँ कौन सा मैरिज
डेटिंग कम मैरिजेस, डेटिंग कम मैरिजेस, डेटिंग कम मैरिजेस राइट। एंड और कौन सा है ना, चलो लेट मैरिजेस है ना, लेट मैरिजेस भी देना चाहता मैं, ये सर्विस है हमारी है ना, लेट मैरिजेस सर्विस बहुत ही अच्छी है ना, लेट मैरिजेस। चलो ये हो गया, एक पेज रेडी हो गया हमारा, चार सर्विसेज है, और आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। चलो रिफ्रेश करके देखता हूँ मैं। चलो आवर स्पेशलाइजेशन, अर्ली मैरिजेस, सेकंड मैरिजेस, डेटिंग कम मैरिजेस है ना, आप अगर इसको हाईलाइट करना चाहते हो तो कर सकते हो है ना, आपको पता हाईलाइट कैसे करना, तो बोल्ड टैग है या एम टैग है, एम्फसिस, एम्फसिस एम्फसिस है, बोल्ड है या स्ट्रॉन्ग हो सकता है, स्ट्रॉन्ग टैग भी है, तो इसके अंदर मैंने इसको रखा, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल एस किया, देखते क्या होता है फ्रेंड्स। नहीं ये तो ये आ गया है ना, इटालिक आ गया फॉन्ट, स्ट्रॉन्ग यूज करना होगा मुझे, कौन सा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग जी, मैं जल्दी भूल जाता हूँ फ्रेंड्स है ना, मैं बिग गजनी हूँ, गजनी पता है ना आपको, जल्दी भूल जाता हूँ मैं है ना, तो इसको किया मैंने यहाँ पे पेस्ट, अब देखो कैसे दिखेगा ये, तो रिफ्रेश करते हैं, अर्ली मैरिज, चलो ये बोल्ड आ गया ये है ना, आवर स्पेशलाइजेशन को भी स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ मैं, आवर स्पेशलाइजेशन स्ट्रॉन्ग, पता है सभी को स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है ना, तो कंट्रोल एक्स करूंगा मैं और इसके अंदर रख दूंगा इसको, कंट्रोल एक्स, अब देखते हैं ये कैसे दिखता है, के आवर स्पेशलाइज, चलो बोल्ड आ गया अभी, ठीक है ना, तो ओके। उसके बाद ये जो है ना स्ट्रॉन्ग, इस स्ट्रॉन्ग को मैं रिपीट करूंगा, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग लिखूंगा स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग के अंदर इसको रखूंगा सेकेंड मैरिज राइट, उसके बाद इसके अंदर स्ट्रॉन्ग रखूंगा स्ट्रॉन्ग, डेटिंग कम मैरिजेस, कंट्रोल एक्स किया, इसके अंदर रखा मैंने लेट मैरिजेस स्ट्रॉन्ग है ना, इसको भी कॉपी किया करना है मैंने ऐसे ही, तो ये कर दिया यहाँ पे, इसको कंट्रोल एक्स करना है, चलो रिफ्रेश करके देखते हैं कैसे व्यू कैसे आता है, नजारा कैसे दिखता है, चलो ठीक है अभी है ना, हमारा जितना अंडरस्टैंडिंग है अभी तक उसके बेसिस पे हमने ऐसे कुछ किया है फिलहाल, ठीक है। तो ये तो हो गया, अब एक इम्पोर्टेंट स्टेप है यहाँ पे, वो है अब ये जो मैंने वेब पेज बनाया है यहाँ तक, यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन देना होगा रजिस्टर का है ना, रजिस्टर कोई एक यूजर है उसको रजिस्टर करेगा इस सर्विसेस को, सो दैट उसको सर्विस मिलेंगे, तो एक रजिस्टर मुझे करना होगा, इसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म देना होगा, तो वैसे दे देते हैं हम इसमें, तो उसके लिए हम एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हम इसके लिए एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं, तो एंकर टैग इसके नीचे लिखते हैं, एंकर टैग सभी को पता है, एंकर टैग देखो ए टाइप करना है यहाँ पे एंकर, और एंकर के अंदर मुझे हाइपरलिंक देनी होगी, हाइपरलिंक मींस रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो मैंने यहाँ पे दिया नहीं, तो मैं नए पेज पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म देना चाहता हूँ, देखो फ्रेंड्स इसके लिए मुझे क्या करना होगा, होम डॉट एस टी एम एल के नीचे मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा और उसको नाम दूंगा मैं रजिस्टर, रजिस्टर डॉट एस टी एम एल, इसको ऐसा नाम दे दिया मैंने, और एंटर कर देना है इसको, ठीक है, रजिस्टर डॉट एस टी एम एल, इसको भी एस टी एम एल है ना, एच टी एम एल में टाइप करूंगा, यहाँ पे एच टी एम एल हो जाएगा ये ना, रजिस्टर डॉट एच टी एम एल, चलो ये तो हो गया अभी, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो ये इतना हो गया, अब हाइपरलिंक जो देनी है आपको, हाइपरलिंक, तो हाइपरलिंक कौन सी देनी है आपको, ये रजिस्टर डॉट एच टी एम एल देनी है आपको फ्रेंड्स, देखो इसके अंदर हैश जो लिखा है इसके अंदर आपको रजिस्टर डॉट एच टी एम एल कॉपी करना है, और यहाँ पे लिखना है आपको रजिस्टर, फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखना है आपको, क्लिक क्लिक हियर Here, here for registration, और क्लिक हियर फॉर या टू हियर टू रजिस्टर, क्लिक हियर टू रजिस्टर, क्लिक हियर टू रजिस्टर, ये हो गया अभी यहाँ पे राइट। अब मैं इसको रिफ्रेश करना चाहता हूँ, देखो कैसे इसका व्यू दिखता है, देखो क्लिक हियर टू रजिस्टर, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो रजिस्टर डॉट एस टी एम एल में मैं चला जाऊंगा, तो फिलहाल रजिस्टर डॉट एस टी एम एल में कुछ भी मैंने लिखा नहीं है, तो अब मैं लिखूंगा रजिस्टर डॉट एस टी एम एल में है ना,
कुछ ना कुछ मुझे लिखना होगा ना मैसेज, तो मैसेज मैं इसके अंदर लिखना चाहता हूँ अभी फिलहाल, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, होम में जो था वो चीजें मैं कॉपी करता हूँ रजिस्ट्रेशन में, जो इम्पोर्टेंट चीजें मुझे लगती है। लेटस से इसका मुझे एक नाम देना होगा, कौन सा इसका जो है ना, होम में था, कौन सा था होम में, ये वाला था विराज मैट्रिमोनियल सर्विसेज। ये चीज मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा फ्रेंड्स, रजिस्टर डॉट एस टी एम एल में कॉपी करूंगा मैं, ठीक है। बॉडी के अंदर जाके, तो बॉडी के अंदर जाके मैंने क्लिक कॉपी किया इसको फ्रेंड्स। अब क्या करना है आपको, एक एक चीज मैं बताता हूँ। इसको मैंने सेव किया, अभी कंट्रोल एस किया, फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ, क्लिक हियर टू रजिस्टर करता हूँ। देखो यहाँ पे आ जाएगा विराज मैट्रिमोनियल सर्विसेस, है ना। तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके अंदर मुझे चाहिए है फ्रेंड्स, इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए। तो मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ पे लिखना होगा, मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखना होगा रजिस्टर डॉट एस टी एम एल के अंदर फ्रेंड्स, मुझे रजिस्टर डॉट एस टी एम एल के अंदर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना होगा। तो मैं अभी वो बनाना चाहता हूँ, राइट। तो सभी को पता है फॉर्म बनाया कैसे जाता है, राइट, सभी को सिंटैक्स पता है। तो क्या लिखते हैं, हम फॉर्म लिखते हैं, FORM। देखो जैसे आपने फॉर्म लिख लिया तो सिंटैक्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा उसका, आ गया है, देखो फ्रेंड्स सिंटैक्स आ गया, फॉर्म क्लास है ना, एक्शन मेथड, मेथड पोस्ट आई। तो अभी क्लास का मुझे काम नहीं, तो मैं क्लास निकाल देता हूँ इसमें का, जितना मुझे पता है उतनी फील्ड में रखता हूँ। इंडेक्स डॉट एस टी एम एल आ गया यहाँ पे, यहाँ पे पोस्ट मेथड, तो मैं यहाँ पे गेट लिख लेता हूँ, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की मैं गेट लिखता हूँ, आप आपके मर्जी से कोई भी दे सकते हो, गेट दे सकते हो, पोस्ट दे सकते हो, बट रिकमेंडेड टू यूज इज अ पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड क्यों देनी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम आपका इंफॉर्मेशन लीक नहीं होना चाहिए, तो पोस्ट मेथड बेटर रहती है, तो पोस्ट मेथड देते हैं। या तो आप गेट देना चाहते हो तो गेट भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। ये हो गया फिर, अब एक मैसेज मुझे देना है यहाँ पे फॉर्म के अंदर, एक मैसेज देना है, मैसेज देना चाहता मैं, सपोज S3 टैग में मैं मैसेज देना चाहता, ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी। हाँ, जैसे आप स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन भरते हो तो आप क्या लिखते हो, ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, राइट। कोई भी फॉर्म में आप देखते हो तो ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, तो यहाँ पे मैंने लिखा ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, नो वरीज, है ना। इसको सेव किया, रिफ्रेश करके देखता हूँ मैं, चलो रजिस्टर्ड, क्लिक हियर टू रजिस्टर, ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, फर्स्ट क्लास आ गया यहाँ पे। अब मुझे जो एक्चुअल मेरा फॉर्म है वो फॉर्म को आगे मुझे बढ़ाना है, ठीक है। तो फॉर्म के लिए मुझे लेबल लगता है फ्रेंड, सभी को पता है। तो सबसे पहले हम इनपुट दे के देखते हैं, इनपुट, ठीक है, इनपुट दिया मैंने, इनपुट कौन सा है मेरा, टेक्स्ट फॉर्मेट का है ना, इनपुट का फॉर्मेट कौन सा, टेक्स्ट। तो चलो टेक्स्ट है फॉर्मेट इसका, नेम के अंदर हम वैल्यू के अंदर कुछ मैं लिखूंगा नहीं अभी फिलहाल, और एक इनपुट दे देता हूँ मैं, जितने मुझे इनपुट लगते हैं उतने मैं दे देता हूँ, है ना। एक दूसरा इनपुट मैंने यहाँ पे दे दिया, क्या है, पहला इनपुट, दूसरा इनपुट, तीसरा इनपुट, है ना, इनपुट लिख लेना है मैंने। और अब मैं इसको एक्सटेंड करते जाऊंगा और एक इनपुट मैं ले लूंगा यहाँ पे, राइट, ये इनपुट्स मैंने यहाँ पे लेना है। तो चलो फिलहाल काम करते हैं पहले इनपुट पे, ये जो पहला इनपुट है इस पहले इनपुट पे काम करते हैं, बाद में सेकंड इनपुट पे काम करेंगे। तो पहला इनपुट, दूसरा इनपुट, तीसरा वाला इनपुट, ये चौथा वाला इनपुट। तो पहले इनपुट में है हमारा लेटेस्ट से, पहले इनपुट पे है हमारा क्या, नेम है ना, जो भी फॉर्म भरेगा तो उसका नेम तो आना चाहिए ना फॉर्म में, तो मैं लिखूंगा नेम, नेम लिखा मैंने, नेम है ना। नेम लिखने के बाद इसको कोलन किया, बट इस नेम को मुझे लिंक करना है इस इनपुट के साथ, ये जो नेम है ना इट इज अ पार्ट ऑफ दिस इनपुट। तो मुझे क्या यूज करना होता है, लेबल यूज करना होता है, हमने पढ़ा था। अब क्या यूज करना होता है, लेबल, देखो लेबल टैग, लेबल टैग के अंदर मुझे क्या करना होता है, नेम लिखना होता है फ्रेंड्स, इस लेबल टैग के अंदर मुझे ये नेम लिखना होता है। तो क्या हो जाएगा, ये नेम जो है ना इसके साथ, ये इनपुट के साथ इसका लिंकिंग हो जाएगा, राइट। वैसे ही मुझे यहाँ पे दूसरा लेबल लिखना है, लेबल, फिर से मैं एक लेबल दूंगा। और अब दूसरा जो है ना, ये नेम तो लिख लिया मैंने, यहाँ पे मैं लिखूंगा ईमेल फ्रेंड्स, ईमेल लिखना है मैंने यहाँ पे, ईमेल, ईमेल लिखना है, तो ये ईमेल के लिए रहेगा, राइट। तो चलो ये ईमेल हो गया हमारा। उसके बाद
कैंडिडेट का एज कितना है ये भी मुझे इंफॉर्मेशन देनी है, तो मैं एक और लेबल लूंगा। लेबल लिया, इसके अंदर मैं लिखूंगा उसका एज, है ना, एज जो भी मैरिज के लिए अप्लाई कर रहा है उसका एज क्या है। और मुझे एक इनपुट की जरूरत पड़ सकती है, आर यू इंटरेस्टेड, एक मुझे पूछना है। सपोज लेबल लूंगा मैं, लेबल से अच्छा पहले इनपुट दूंगा मैं, इनपुट, और इनपुट दे दिया, और एक चीज मुझे पूछनी है, ठीक है, तो चीज मैं पूछूंगा, लेट अस से चीज ऐसा, एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं, सवाल S3 में देना पूछना चाहता हूँ, हेडिंग S3, आर यू इंटरेस्टेड, आर यू इंटरेस्टेड फॉर, है ना, इंटरेस्टेड इन डेटिंग, है ना, डेटिंग के लिए हो के इंटरेस्टेड आप, ऐसा कुछ यहाँ पे एक सवाल पूछना है मुझे। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या रहेंगी, ये तो यस रहेंगे या तो नो रहेंगे, राइट। तो मुझे लेबल करना होगा, है ना, उसके लिए फिर से मुझे एक लेबल टैग का इस्तेमाल करना होगा, हमने पढ़ी है ये चीजें पूरी, मुझे लेबल करना होगा। सपोज मुझे बोलना है यहाँ पे एस, आई एम इंटरेस्टेड, है ना, पहला किसका आंसर है एस, इस एस को मुझे इसके साथ क्या करना है, लिंक करना होगा, राइट। दूसरा सवाल हो सकता है ना, दूसरा सवाल हो सकता है नो, तो फिर से मैं लेबल टैग का इस्तेमाल करता हूँ और बोलता हूँ यहाँ पे नो, एस एंड नो दो आंसर रहेंगे, और इनपुट, इनपुट टैग का इस्तेमाल करना है मैंने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो सवाल भी पूछ लिया मैंने, राइट। और लास्ट में मुझे क्या करना है, मुझे सबमिट करना है फॉर्म, क्या करना है फ्रेंड्स, तो मुझे लास्ट में इस फॉर्म को क्या करना है, सबमिट करना है। तो ठीक है, ये तो कर देते हैं हम सबमिट, और एक कुछ चीजें रही है, बची है, तो वो भी चीजें मैं कंप्लीट करूंगा, S3 करूंगा, S3 एक बार है। अब मुझे लिखना है आपकी एक्सपेक्टेशंस कैसी है, लेट अस से जो मैरिज के लिए रजिस्टर कर रहा है उसकी एक्सपेक्टेशन कैसी है, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। योर एक्सपेक्टेशन, योर एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशंस लाइक, आपकी एक्सपेक्टेशंस कैसी है, ये सवाल मुझे पूछना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सवाल तो मैंने पूछ लिया है, अब इसके लिए मुझे ऑप्शंस देने होंगे, राइट। सवाल तो पूछ लिया है मैंने, योर एक्सपेक्टेशंस लाइक, उसके ऑप्शंस मुझे देना है, तो ऑप्शंस कौन से है, तो एक हमारे पास सिलेक्ट नाम का एक मॉड्यूल है फ्रेंड्स, आपके हमारे पास एक सिलेक्ट नाम का मॉड्यूल्स है, तो मैं उसको ले लेता हूँ, सिलेक्ट, सिलेक्ट करता हूँ, देखो सिलेक्ट जैसे टाइप के ये मॉड्यूल्स आ गया, इस मॉड्यूल का नाम मैं दे देता हूँ द एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशंस, और इसके अंदर हमको लिखना होता है ऑप्शंस, आपको पता है लास्ट टाइम मैंने इसको बताया था आपको, मैंने ऑप्शंस, ऑप्शंस, ऑप्शंस की वैल्यू, सपोज पहला ऑप्शंस है हमारा योर एक्सपेक्टेशंस आर लाइक, लेट अस से सलमान, है ना, सलमान, सलमान, सलमान खान, है ना, सलमान खान एक्सपेक्टेशन है सपोज, रह सकता है किसी का। दूसरा एक्सपेक्टेशन क्या है आपका, लेट अस से आमिर, आमिर खान, सलमान खान, आमिर खान, आमिर खान, आमिर, आमिर खान, और कौन सा एक्सपेक्टेशन है आपका, लेट अस से बिग बी, है ना, बिग बी पता है ना सभी को, बिग बी है ना, बिग बी सभी को पता है। ये एक्सपेक्टेशन किसके लिए हो गया, ये एक्सपेक्टेशन गर्ल्स के लिए हो गया, अब बॉयज के लिए एक्सपेक्टेशन लगेगा, तो मुझे लिखना होगा, राइट, यहाँ पे काजोल, है ना, काजोल, उसके बाद ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, और एक्सपेक्टेशन करीना, करीना, करिश्मा, है ना, जो भी है करिश्मा, एक्सपेक्टेशन है ना, एक्सपेक्टेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, है ना, 6, 7, और एक्सपेक्टेशन एक देना होगा मुझे,
कंट्रोल एक देना होगा करण जोहर, रह सकता किसी का एक्सपेक्टेशन, करण जोहर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है ना, एक्सपेक्टेशन हो गई है, योर एक्सपेक्टेशंस लाइक ये हो गए, टोटल एक्सपेक्टेशन 8, तो यहाँ पे कर देता हूँ 8, है ना, तो इसको कंट्रोल एस करना है अभी मुझे, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस का भी हो गया यहाँ पे कॉलम कंप्लीट। अब मुझे एक सवाल भी पूछना है कि आपको कितने मैरिजेस चाहिए, है ना, एक और सवाल मुझे पूछना है, हाउ मेनी मैरिजेस यू वांट, तो चलो S3 टैग में एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, H3 टाइप करना है, एंटर करना है, और यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा, हाउ मेनी मैरिजेस, हाउ मेनी मैरिजेस मैरिजेस यू वांट, है ना, आपको कितने मैरिजेस करने हैं, उतने मैरिजेस आपको यहाँ पे बताने हैं, फिर से ऑप्शंस देना होगा मुझे, है ना, ऑप्शन फिर से देना होगा ना मुझे, तो सिलेक्ट लिखना होगा, सिलेक्ट 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 जैसे लिखा आपने एंटर कर देना है, उसका क्लास तो फिलहाल मुझे पता नहीं, क्लास की इंफॉर्मेशन नहीं है, एन नंबर ऑफ मैरिजेस, NOM स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मैरिजेस, अब सिलेक्ट तो मैंने लिख लिया, सिलेक्ट के अंदर ऑप्शंस देना होगा मुझे, ऑप्शन है ना, सभी रेडीमेड है फ्रेंड्स, कोई भी आपको जरूरत नहीं है इसको जहन में रखने की, इसको ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है, सभी चीजें अवेलेबल है, ठीक है, जस्ट आपको पहला दो तो 1-2 वर्ड टाइप करना है, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे बाकी चीजें, तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन 1, है ना, तो वन मैरिजेस, वन मैरिज, दूसरा ऑप्शन हो सकता है 2 मैरिजेस, है ना, 2 मैरिजेस, थर्ड ऑप्शन हो सकता है 3 मैरिजेस, 3 मैरिजेस, और एक ले लेते हैं फोर्थ ऑप्शन, है ना, फोर्थ ऑप्शन ले लेते हैं लेटेस्ट से, फोर्थ ऑप्शन कोई भी एक फोर्थ ऑप्शन, सिलेक्ट एनी वन, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, सिलेक्ट सिलेक्ट एनी वन, है ना, ऐसा चलेगा ना, एक सिलेक्ट एनी वन ऑप्शन, और ये तो मैंने कर लिया अभी, ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट है, सिलेक्ट हाउ मेनी मैरिजेस का हो गया फील्ड कंप्लीट, इसको कंट्रोल एस करूंगा मैं फ्रेंड्स, राइट, और लास्ट में और कुछ क्वेश्चन पूछना बाकी है वो भी पूछ लेता हूँ मैं, राइट, फिर से S3 टैग में एक क्वेश्चन पूछूंगा, आर यू अल्कोहलिक, है ना, मुझे पूछना है ना मैरिजेस के टाइम में सवाल रहता है ना, आर यू अल्कोहलिक, अल्कोहलिक हो क्या आप, ऐसा कुछ पूछना है, अल्कोहलिक हो क्या, है ना, तो मुझे पूछना है सवाल, तो मैं करूंगा इनपुट, है ना, इनपुट में पहला ऑप्शन देना चाहता हूँ मैं, लेटेस्ट से पहला ऑप्शन है मेरा अल्कोहलिक हो क्या, है ना, ऐसा पूछा मैंने, तो यस, कोई यस बोलेगा, यस, तो इसको लेबल करना होगा ना मुझे, लेबल, तो फिर से इसको लेबल, या तो मैं चेक बॉक्स का इस्तेमाल करूंगा, चेक बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है, यस बोला मैंने यहाँ पे, तो ये यस जो है ना मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फिलहाल, चलो यहाँ पे लिख लिया मैंने यस, और एक सवाल पूछना है मैंने, आर यू अल्कोहलिक, ऐसा पूछा मैंने, राइट, ये हो गए, इसका दूसरी फील्ड आ सकती है नो, है ना, एक तो आ सकता है नो, और एक हो सकता है आर यू अल्कोहलिक, एक और हो सकता है ओनली ऑन वीकेंड, है ना, सिर्फ वीकेंड में पीते हैं बोलते हैं हम कुछ लोग, है ना, ओनली ऑन वीकेंड्स, वीकेंड्स, यस नो ओनली ऑन वीकेंड्स, ये हो गया, और कुछ बचा है वो भी लिख लेता हूँ, फॉर्म थोड़ा लेंदी है ना, मैरिज का सवाल है भाई, तो फॉर्म तो लेंदी ही होना चाहिए, S3 टैग, है ना, S3 टैग में लिखता हूँ मैं, योर प्रिफरेंसेस एंड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा प्रिफरेंसेस एंड इंफॉर्मेशन, है ना, एक्स्ट्रा प्रिफरेंस एंड इंफॉर्मेशन, अब किसी को कुछ कुछ ज्यादा ही लिखने की आदत रहती है ना, उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट बॉक्स दे देते, उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स, है ना, टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स फील्ड, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट बॉक्स,
टेक्स्ट एरिया यहाँ पे आ गया, देखो टेक्स्ट एरिया टाइप किया, यहाँ पे नेम रो कितनी चाहिए, 8 रो चाहिए, कॉलम 80 चाहिए, सफिशियंट है ना। टेक्स्ट एरिया ये हो गया एक्स्ट्रा प्रिफरेंसेस के लिए। अब इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम, अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, सबमिट। लास्ट में क्या करना है आप सभी को पता है, लास्ट में क्या लिखना है, सबमिट सबमिट है ना, सबमिट। और वैल्यू क्या लिखेंगे हम, वैल्यू इसकी, वैल्यू देने वाले हैं हम इसकी, लेटर से रजिस्टर, इसकी वैल्यू मैंने देनी है रजिस्टर। तो अभी इसको मैं कंट्रोल एस करूंगा, देखते हैं फॉर्म कैसे दिखता है हमारा। चलो फॉर्म कैसे दिखता है देख लेते हैं हम। देखो ऐसा कुछ दिख रहा फॉर्म, राइट। ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, नेम, ईमेल, एज, एस नो है ना, आर यू इंटरेस्टेड। अब देखो एस नो, रेडियो बटन चाहिए, इस एस नो के लिए कौन सा बटन चाहिए, रेडियो बटन चाहिए। योर एक्सपेक्टेशन लाइन ए ठीक है, ए ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी मैरिजेस यू वॉन्ट, सिलेक्ट एनी वन है ना, सिलेक्ट एनी वन, ये भी ठीक है। आर यू अल्कोहलिक, एस नो। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मुझे चाहिए चेक बॉक्स चाहिए। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जाना है फ्रेंड्स, और मुझे यहाँ पे वैसे फील्ड को सिलेक्ट करना है, सिंपल है ना। तो ये फॉर्म जो है अभी, ये तो ठीक है फील्ड एज तक ठीक है। आर यू इंटरेस्टेड इन डेटिंग है ना, एस नो। तो मुझे इसमें कौन सा टाइप यूज करना चाहिए, रेडियो, रेडियो बटन, ठीक है फ्रेंड्स, रेडियो बटन। यहाँ पे नो है तो यहाँ पे कौन सा यूज करना चाहिए, रेडियो बटन, रेडियो बटन का इस्तेमाल करना चाहिए। नेम क्या देना चाहिए इसमें, मैंने नेम क्या देना चाहिए, कोई भी एक कॉमन नेम, सो ये लिंक हो जाए। देखो फ्रेंड्स मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो आर यू इंटरेस्टेड इन डेटिंग, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर देखो, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखो आर यू इंटरेस्टेड इन डेटिंग, एस नो, ऐसा थोड़ी होगा, यस भी होगा नो भी होगा, पॉसिबल नहीं है ना, दो में से कोई भी एक हो सकता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो नेम फील्ड है, ये नेम फील्ड को कॉमन नाम देना होगा, नेम फील्ड में मुझे कॉमन लिखना होगा कुछ वर्ड। फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस नेम फील्ड में मुझे कॉमन कुछ लिखना होगा, सो दैट इट विल बी है ना, ये दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। तो मैं यहाँ पे डेटिंग लिखता हूँ, डेटिंग है ना, या आप कुछ भी एक नाम लिख सकते हो, बट नेम शुड बी सेम, दोनों भी जगह पे नेम सेम होना चाहिए। देखो डेटिंग डेटिंग लिखा है यहाँ पे मैंने, इसको सेव करता हूँ मैं, अब इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे जाके है ना। अब देखो एस नो है ना, देखो अब दोनों भी ऑप्शन क्लिक नहीं हो रहे, एस भी नहीं हो रहा, नो भी नहीं हो रहा, इतना इतना ओके है अभी, इसमें का इतना ओके है अभी, ठीक है। योर एक्सपेक्टेशन लाइक, ये ठीक है। हाउ मेनी मैरिजेस, ये भी ठीक है। आर यू अल्कोहलिक, अब ये जो देखो ये आप ऑप्शन जो आया है ना, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी मुझे चेक बॉक्स चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे वैसे सिलेक्ट करना होगा, फ्रेंड्स आर यू अल्कोहलिक, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, देखो चेक बॉक्स लिखना होगा, चेक बॉक्स लिखना होगा फिक्स से है ना, चेक बॉक्स। आपको सिर्फ टू वर्ड टाइप करने, ऑटोमेटिक आ जाएगा बाकी चीजें। देखो चेक बॉक्स आ गया, कंट्रोल एस करना है। तो चलो रिफ्रेश करके देखते हैं पेज को फिर से। देखो ये वो दे, देखो आपको आर यू अल्कोहलिक ओनली ऑन वीकेंड्स, नो या यस, एक्स्ट्रा प्रिफरेंसेस एंड इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। हाउ मेनी मैरिजेस, सब थोड़ा ठीक रख रहा है, ठीक है। नेम, ईमेल एड्रेस, एज, आर यू इंटरेस्टेड इन डेटिंग, एस नो। अब ये थोड़ा रिस्पॉन्सिव लग रहा है। अब क्या है ये जो फील्ड है ना, देखो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। योर एक्सपेक्टेशन लाइक, यहाँ पे मैं एक ऑप्शन देना चाहता हूँ, एक ऑप्शन देना चाहता हूँ मैं, योर एक्सपेक्टेशन लाइक, तो यहाँ पे नाइन्थ ऑप्शन देना देना चाहता हूँ, सिलेक्ट एनी वन है ना, तो ये देना चाहिए मैंने एक्चुअली ऑप्शंस। तो यहाँ पे बोलूंगा मैं नाइन्थ नंबर का ऑप्शन और सिलेक्ट एनी वन, सिलेक्ट एनी वन, सिलेक्ट एनी वन, ऐसा मैं कुछ कहना चाहता, सिलेक्ट एनी वन, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा सिलेक्टेड लिखूंगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिलेक्टेड, देखो सिलेक्टेड से क्या होगा, सिलेक्टेड से होगा ये फील्ड आपको दिख जाएंगे जब रिफ्रेश करोगे, सिलेक्टेड लिखा मैंने, सिलेक्ट एनी वन। तो देखो कैसे दिखता है, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, देखो सिलेक्ट एनी वन ऑलरेडी यहाँ पे आ गया, सिलेक्ट एनी वन है ना, सिलेक्ट एनी वन, तो सिलेक्टेड ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी मैरिजेस यू वॉन्ट, वन टू, सिलेक्ट एनी वन। अब देखो इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो पहला ऑप्शन वन ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट एनी वन को सिलेक्टेड करता हूँ,
सिलेक्ट एनी वन को क्या करता हूँ, सिलेक्टेड करता हूँ, देखो सिलेक्टेड को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ सिलेक्टेड, इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ पेज को, पेज को रिफ्रेश किया देखो यहाँ पे आ जाएगा सिलेक्ट एनी वन, तो आपको ये रिकमेंडेशन देगा कि कोई तो भी एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट एनी वन, तो ये हमारा एक फॉर्म हो गया, बट इसका जो एक ब्यूटिफिकेशन है वो मिसिंग है ना, ये तो दिख रहा आपको सही दिख रहा है अभी, ये इतना ठीक है क्लिक हियर टू रजिस्टर, बट इसका बैकग्राउंड इसकी जो है ये चीजों को हम थोड़ा देखते हैं क्या होता है ना। और इसमें मैं करना चाहता हूँ ओके, ये जो फॉर्म अभी मैंने बनाया है तो देखो चलो इस फॉर्म को मैं क्या करता हूँ, नेम देता हूँ मैं सपोज है ना राम, ईमेल एड्रेस राम, ये फॉर्म को फिलअप करके देखता हूँ, gmail.com, एज 17 इयर्स ओल्ड, एस उसके बाद एक्सपेक्टेशन लाइक लेट अस से ऐश्वर्या, हाउ मेनी मैरिजेस, वांट 3 मैरिजेस, यस ओनली ऑन वीकेंड्स, नो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, नो एक्स्ट्रा इन्फो, है ना ऐसा कुछ दिया, रजिस्टर दिया मैंने, इसको रजिस्टर करना है फिर मैंने, तो रजिस्टर किया तो योर फाइल नॉट बी एक्सेस, कोई मैसेज आना चाहिए ना थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन, तो एक मैसेज हम यहाँ पे मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करना होगा मुझे, ये फॉर्म जो है ना फ्रेंड, फॉर्म फॉर्म के ऊपर यहाँ पे देखो ये फॉर्म में दिख रहा आपको, दिख रहा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ऑलरेडी लिखा है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, तो इसको मैं लिख देता हूँ थैंक्स, थैंक्स डॉट एच टी एम एल दे देता हूँ, थैंक्स थैंक्स डॉट एच टी एम एल, इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे एक और एच टी एम एल फाइल मुझे बनानी होगी फ्रेंड्स, तो उस फाइल का नाम देना चाहता हूँ मैं थैंक्स, थैंक्स डॉट एच टी एम एल दे दिया मैंने नाम इसको, और फिर एच टी एम एल लिखूंगा इसके अंदर मैं, और यहाँ पे लिखूंगा थैंक्स, इसमें कुछ लिखना होगा ना, थैंक यू पेज बोलूंगा मैं इसको, इसको मैं H1 मैसेज दूंगा और लिखूंगा थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन, थैंक्स फॉर योर रजिस्ट्रेशन है ना, थैंक्स फॉर योर रजिस्ट्रेशन, और बोलूंगा मैं इसको, एक बोलूंगा मैं इसको H1 टैग में यू विल गेट मैच है ना, यू विल गेट मैच, हाँ योर मैच, योर मैच और मैच सुन, जल्दी मिल जाएगा बा मैच सुन, इसको सेव करना है मैंने, ये हो गया अभी, चलो इसको हम देखते हैं कैसा होता है ये, चलो आवर स्पेशलाइजेशन ये पेज आ गया, क्लिक हियर टू रजिस्टर राम है ना, राम नाम है उसका, ram@gmail.com, age 22, यस एक्सपेक्टेशन लाइक ऐश्वर्या, हाउ मेनी मैरिजेस, 3 मैरिजेस, ओनली ऑन वीकेंड्स, नो एक्स्ट्रा है ना, नो एक्स्ट्रा इन्फो, ठीक है रजिस्टर, रजिस्टर किया तो देखो थैंक्स फॉर योर रजिस्ट्रेशन, यू विल गेट योर मैच सून, आ गए फॉर्म, चलो फॉर्म की लिंकिंग तो हो गई, बट एक दिखने में कोई सही नहीं दिख रहा अभी है ना, अभी तक ये सही नहीं दिख रहा दिखने में, तो इसका थोड़ा और अच्छे एक थोड़ा ब्यूटीफाई करता हूँ बेसिक लेवल पे, इसको बेसिक लेवल पे मैं थोड़ा ब्यूटीफाई करके देखता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना है वो भी देखो आप, सबसे पहले मैं पहला जो HTML पेज है वो होम HTML पेज है, इसके अंदर क्या करूंगा जो हेड आपको दिख रहा है हेड पार्ट के अंदर मैं जाऊंगा फ्रेंड्स, देखो हेड पार्ट के अंदर जाऊंगा मैं, हेड पार्ट के अंदर जाने के बाद लिंक लिखूंगा मैं, लिंक देखो फ्रेंड्स लिंक लिखूंगा मैं लिंक, ठीक है लिंक में लिखूंगा s1.css, s1.css फाइल अभी मैंने बनाई नहीं है, इसके अंदर s1.css, रजिस्टर डॉट एस टी एम एल के अंदर जाऊंगा, इसके अंदर जो हेड पार्ट है इसके अंदर लिंक लिखूंगा मैं, लिंक देखो लिंक लिख लिया मैंने, और इसको रेफरेंस करूंगा मैं s1.css, इसको मैं कंट्रोल एस करूंगा, और थैंक्स डॉट एस टी एम एल में जाऊंगा मैं, इसके अंदर जो हेड है यहाँ पे लिंक करूंगा मैं, लिंक फ्रेंड्स लिंक करूंगा, और यहाँ पे s1.css फाइल लिखूंगा मैं, ठीक है अब s1.css मैंने दी, कंट्रोल एस किया मैंने इसको,
अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, अभी मुझे S1 के अंदर कुछ मैसेज देना है, ठीक है। S1 के अंदर मुझे क्या करना है, कुछ चेंजेस करना है ना। ये CSS फाइल है, CSS फाइल है। CSS फाइल का इस्तेमाल होता है ब्यूटिफिकेशन के लिए फ्रेंड्स, CSS फाइल का इस्तेमाल होता है ब्यूटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं H1 टैग जो हो, जहां जहां H1 टैग है उसका ब्यूटिफाई करना चाहता हूँ उसको मैं, तो इसका मैं कलर देना चाहता हूँ, लेटेस्ट से कलर देना चाहता हूँ, येलो कलर देना चाहता हूँ या रेड दे के देखता हूँ, रेड कलर। चलो रेड कलर देता हूँ मैं, कैसे दिखता है पेज देखता हूँ मैं अभी, है ना। देखो फ्रेंड, ये पेज आपको रेड कलर का दिखा, विराज मैट्रिमोनियल सर्विस है, सभी ये रेड आ गया है इसका कलर। अब और कुछ चेंजेस मैं करता हूँ राइट। तो ये जो है HTML पेज, इसका जो बॉडी है फ्रेंड, ये देखो इसका बॉडी कौन सा, ये वाला बॉडी है ना, ये बॉडी दिख रहा है आपको, बॉडी बॉडी को कुछ मैं चेंजेस करता हूँ, बॉडी को कुछ एक अच्छा सा ढंग का मैं एक फॉर्मेट देता हूँ। देखो तो S1 में आता हूँ मैं, और बॉडी बॉडी को कोई मैं एक अच्छा सा स्टाइल देना चाहता हूँ, तो बॉडी की कुछ बॉर्डर है ना, बॉडी को कुछ बॉर्डर है ना, बॉर्डर का मैं कलर देना चाहता हूँ, कुछ लाइन देना चाहता हूँ। तो लेटेस्ट से 100 पिक्सल, 100 पिक्सल सॉलिड है ना, सॉलिड रेड, ऐसा कुछ मैंने देना है इसको, सॉलिड रेड। देखते हैं ये कैसे दिखता है, 100 पिक्सल सॉलिड रेड। तो देखो ऐसा कुछ दिखेगा ये, देखो फ्रेंड्स है ना, कुछ अच्छा दिख रहा ना अभी, इसमें थोड़ा ब्यूटिफिकेशन भी आ गया, बॉर्डर वॉर्डर भी आ गई, थोड़ा दिखने में अच्छा दिख रहा है ना। अब ये जो इसका बैकग्राउंड है, थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में सोच लेते हैं राइट। ये जो रहा बचा हुआ व्हाइट जगह दिख रहा है, इसको कुछ बैकग्राउंड देखते हैं। तो बैकग्राउंड के लिए कुछ इमेज मिलती है हमको, सर्च करते हैं मैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड डिजाइन, नेट पे सभी मिल जाता है बैकग्राउंड डिजाइन। तो बैकग्राउंड डिजाइन कौन सी अच्छी लगती है इसमें, की ये अच्छी लग रही मुझे, ये भी एक अच्छी है, ये भी एक अच्छी है ना, ये भी अच्छी है ना बैकग्राउंड इमेज। तो मैं क्या करता हूँ, इसका एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस राइट, इमेज एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ, ये भी एक अच्छी है फ्रेंड्स, ये भी अच्छी है ये वाली, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं लिखता हूँ URL या बैकग्राउंड लिखता हूँ, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड और URL, और URL के अंदर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको कंट्रोल एस कर देना है फिर, और देखते हैं कैसा दिखता है बैकग्राउंड हमारा अभी। तो चलो इसको रिफ्रेश करके देखते हैं हम मैट्रिमोनियल को, देखो कितना थोड़ा ठीक दिख रहा ना बैकग्राउंड, बैकग्राउंड अभी थोड़ा ठीक दिख रहा। ये अगर आपको नहीं दिख रहा तो लेटेस्ट से, और बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास, तो लेटेस्ट से एक बैकग्राउंड है और हमारे पास ये वाला है ना, ये वाला भी एक बैकग्राउंड है, या एक प्लेन कलर का भी ले सकते हैं हम, प्लेन कलर का राइट। तो प्लेन कलर वाला भी हम देख सकते हैं, ये वाला ठीक रहेगा एक। इसको मैं करता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पे आता हूँ, इस URL के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो पेस्ट कर देना है आपने, कंट्रोल एस करना है राइट, और देखना है कैसे दिखता है ये। चलो इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो अब थोड़ा ठीक दिख रहा राइट। और आपको ज्यादा अच्छे इफेक्ट चाहिए तो आपको सर्च करना होगा, थोड़ा मैन्युअली देख के करने होगी चीजें, ये भी एक है, ये भी एक है, बहुत सारे ऐसे। ये येलो कलर का ठीक दिखता है, इसको ट्राई करके देखते हैं हम येलो कलर वाले को, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस पे आता हूँ मैं, URL को हटाता हूँ, दूसरा वाला ले लेता हूँ। चलो देखते हैं कैसा है इसका इफेक्ट दिखता है हमको राइट। चलो ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है इमेज, है ना, विराज मैट्रिमोनियल सर्विसेज। बस इसका कलर अगर व्हाइट हम ले सकते हैं क्या, तो देखते हैं, व्हाइट कलर लिया तो थोड़ा और अच्छा दिखेगा, है ना। व्हाइट आपको जस्ट टाइप करना है, व्हाइट कलर, तो व्हाइट कलर आपने टाइप कर लिया, आपने इसको रिफ्रेश करना है। देखो अवर स्पेशलाइजेशन, अगर आपको इसको भी कलर देना है अवर स्पेशलाइजेशन को, और क्लिक हियर टू रजिस्टर, इसको भी कलर देना है तो आप दे सकते हो फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, देखो ये जो हाइपर लिंक है, एंकर टैग है, एंकर टैग, तो आपको क्या करना है, S1.css में जाना है, एंकर टैग, और एंकर टैग जैसे आपने टाइप किया ए, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको ब्यूटीफाई करना है लेटेस्ट से कलर, इसका आपको कलर कोई भी देना है, तो लेटेस्ट से व्हाइट, एक टाइम ट्राई करके देखते हैं होता है क्या, तो कलर इसका, तो व्हाइट कलर। चलो
ये व्हाइट कलर आ गया, क्लिक हियर टू रजिस्टर, है ना। तो ऐसे ही आप इसको भी कलर दे सकते हो। तो ये मेरा एक वेबसाइट बन गया है ना, अभी जितना मैंने, मेरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे मैंने वेबसाइट बनाया है। या तो जो और कोई अदर कलर मुझे देना है तो मैं दे सकता हूँ। तो लेटेस्ट से मैं देना चाहता हूँ वायलेट कलर, वायलेट कलर। अगर मुझे कलर मुझे कोई ऐसा अच्छा सा यूनिक सा कलर चाहिए तो उसका ऑप्शन है। तो देखो फ्रेंड्स, कलर कलर पिकर, कलर पिकर का एक ऑप्शन आता है, कलर पिकर। इसमें अब आपको जो भी कलर चाहिए वो मिल जाएगा फ्रेंड्स, जो भी आपको कलर चाहिए वो मिल जाएगा। देखो आपको कौन सा कलर चाहिए वो ऑप्शन आपको चूज करना है। देखो फ्रेंड्स, ये जो है ना कलर पिकर कहते हैं इसको। तो सपोज मुझे ये कलर चाहिए वाला, से कोई एक अच्छा सा कलर चाहिए मुझे, ये कलर चाहिए। इस पेज पे कौन सा अच्छा दिखेगा, इस पेज पे येलो के साथ कौन सा अच्छा दिखेगा कलर, वो देख लेता हूँ मैं कलर पिकर में जाके। तो ये आई थिंक ये अच्छा दिख सकता है येलो पे, राइट, ये अच्छा दिख सकता है थोड़ा लाइट में। अब देखो फ्रेंड्स, इसका हेक्साडेसिमल वैल्यू है। देखो ये जो कलर है ना, इसका हेक्साडेसिमल वैल्यू है। इस हेक्साडेसिमल वैल्यू को कॉपी करना है आपको, जस्ट जो भी आपने कलर पिक किया है इसमें से, उस हेक्साडेसिमल वैल्यू को आपको कॉपी करना है। जस्ट कॉपी करके आपको क्या करना है, यहाँ पे कलर के जगह पे वो हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखनी है। कंट्रोल यानी कंट्रोल वी करना है, पेस्ट करना है इसको। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, तो देखो यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। देखो क्लिक हियर टू रजिस्टर, देखो कलर चेंज होगा यहाँ पे। तो कलर पिकर का एक ऑप्शन है, देखो ये पूरा ये ऐसा आ गया। अब देखो मैं इसको क्लिक हियर टू रजिस्टर करता हूँ, इस पेज, ये पेज देखो, क्लिक हियर टू रजिस्टर। देखो यहाँ पे नाम देता हूँ मैं गोविंद, गोविंद है ना, ईमेल gov@gmail.com, age 14, राइट, इंटरेस्टेड इन डेटिंग, एक्सपेक्टेशन लाइक कतरीना, हाउ मेनी मैरिजेस, 3 मैरिजेस, यस, आर यू अल्कोहलिक, यस, नो, एक्स्ट्रा इन्फो, है ना, कोई एक्स्ट्रा इन्फो में रजिस्टर। देखो थैंक्स फॉर योर रजिस्ट्रेशन, यू विल गेट मैच सून, ऐसा एक मैसेज आएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक HTML फॉर्म। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो S1 फाइल है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो हमारे 3 HTML पेज हमने बनाए हैं, पहला HTML पेज, दूसरा HTML पेज और तीसरा HTML पेज, इसको हमने क्या किया, S1.css, S1.css जो फाइल है हमारी, S1.css फाइल, ये फाइल मैंने क्या की, सभी के जगह पे जाके लिंक की, इसको भी लिंक की, दूसरे HTML पेज को भी लिंक की और तीसरे HTML पेज को भी इसको मैंने लिंक किया है। प्रूफ आपको देना चाहता हूँ मैं, प्रूफ ये वाला है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो लिंक, देखो लिंक में क्या लिखा मैंने, s1.css, ये home.html है। दूसरा देखो register.html में भी मैंने s1.css फाइल जोड़ी है, और तीसरा thanks.html में भी मैंने s1.css फाइल जोड़ी है। फ्रेंड्स इतनी तीनों भी के तीनों की तीनों फाइल मैंने जोड़ी है इसके अंदर। देखो ये होम, home.html, दूसरा कौन सा था, दूसरा था रजिस्टर और थैंक्स, register.html एंड thanks.html, तीनों को मैंने s1 से लिंक किया है, s1.css, कैस्केडिंग स्टाइल शीट बोला जाता है इसको, ठीक है। तो आप s1 फाइल से इसकी डिजाइन चेंज कर सकते हो। पहला फॉर्म देखो सर फ्रेंड्स, पहला जो फॉर्म है हमारा वो फॉर्म बहुत ही बेसिक दिखता था, अभी इसमें थोड़ा ब्यूटिफिकेशन आ गया है। देखो आप, ये फॉर्म थोड़ा ब्यूटिफाई हो चुका है, पहले ये ब्यूटिफाई नहीं था, अभी ये ब्यूटिफाई हो चुका है। क्यों हुआ ऐसे, ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसको CSS का इफेक्ट दिया। अगर मैंने ये CSS फाइल इसमें से निकाल दी फ्रेंड्स, अगर मैंने ये CSS फाइल इसमें से निकाल दी है ना, लेटर से मैंने डिलीट कर दी, तो इफेक्ट नहीं दिखेगा मुझे। अगर मैंने ये जो है ना CSS फाइल में का पूरा हटा दिया, कट किया इसको, लेटर से सेव करता हूं अभी मैं, अभी देखो अभी इफेक्ट दिखते हैं क्या आपको, अभी रिफ्रेश किया ना तो ऐसा दिखेगा आपका फॉर्म, बिल्कुल सिंपल है ना, अभी देखो ऐसा दिखेगा। बट जैसे ही मैंने HTML, जैसे मैंने CSS फाइल यहाँ पे जोड़ दी, देखो फ्रेंड्स CSS फाइल जैसे मैंने जोड़ दी,
वैसे आपको इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखो इफेक्ट, अब देखो इसका इफेक्ट दिखा आपको कि आपको और अच्छा दिखेगा। इसका मीनिंग ये होता है कि सीएसएस हमको ब्यूटिफिकेशन देता है, तो इसको ही है ना। तो और आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, एक एक मॉड्यूल हम जोड़ते जाएंगे फ्रेंड्स। तो सीएसएस अभी मैंने पढ़ाया नहीं आपको, तो मे बी नेक्स्ट सेशन से हम सीएसएस स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने मैक्सिमम पार्ट एचटीएमएल का आज के सेशन में कंप्लीट किया है। इसके लिए जो समझने के लिए एक छोटा प्रोजेक्ट भी मैंने आपको बताया है, और नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है हमारा एचटीएमएल का जो लास्ट पार्ट है ना, वो है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन का पार्ट बचा है, वो मिनिमम 1 या 2 लेक्चर्स मुझे लगेंगे, सेशंस मुझे लगेंगे उसके लिए। एक बार हो जाए तो आपका एचटीएमएल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम सीएसएस देखेंगे।